सेकंड चैप्टर का आज हम ये पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे भारतीय जनसंघ पार्टी। दोस्तों, इन पार्टियों को हम पढ़ेंगे और इनमें से क्वेश्चन बनते हैं कई बार, तो देखते हैं ये कैसे, अगर ये पार्टी के बारे में लिखने को आ जाता है मान लो, तो हम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस फॉर्मेट में लिख के याद करना बिल्कुल ईजी है, और इस फॉर्मेट में लिखने से हमें मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि CBSE जो मांगती है वो टू द पॉइंट आंसर मांगती है। कहानियों लिखने के आंसर नहीं होते उसमें। टू द पॉइंट लिखो अपनी बात को, जो पूछा है वो लिखो, और हेडिंग में लिखो। आंसर बड़े लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, मार्क्स ज़्यादा नहीं आएंगे। आंसर उतना ही लिखो जितना उसने पूछा है, वर्ड लिमिट जो है उसका ध्यान रख के। बस आंसर दमदार होना चाहिए। तो दोस्तों, दमदार आंसर कैसे बनेगा, वो तुम्हारा यहीं से बनेगा कि तुम्हें तरीका आना चाहिए। भारतीय जनसंघ पार्टी स्थापना 1951 में हुई थी। वेरी इजी, बस सन याद रखना है। संस्थापक कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो इसके संस्थापक थे। अगर इसकी जड़ें देखें तो RSS और हिंदू सभा में दिख जाती हैं, और विचारधारा इसकी बहुत अच्छी थी। विचारधारा देखते हैं दोस्तों क्या थी, कि एक देश हो, एक राष्ट्र हो, एक संस्कृति हो, भारत पाकिस्तान को एक कर दिया जाए और एक अखंड भारत बनाया जाए, अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को क्या बना दिया जाए, राष्ट्रभाषा बना दिया जाए इनके अकॉर्डिंग। और चुनाव देखते हैं, इसने चुनाव भी लड़ा था, क्या इसकी स्थिति रही। 1952 में लोकसभा में 3 सीटें जीती थी, 57 के चुनाव में इन्होंने 4 सीटें जीती थी। हालांकि जो इसकी स्थिति है बहुत मामूली सी स्थिति है, कोई खास है नहीं। राज्य देखें इसके, कहाँ पे इसको समर्थन मिला है, तो हिंदी भाषी राज्य ज़्यादातर राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में इसको ज़्यादा समर्थन मिला है। प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये इसके प्रमुख नेता हैं। दीनदयाल उपाध्याय इसके प्रमुख नेता हैं। बलराज मधो, अगर आपने दोस्तों दिल्ली में आप गए हो रामलीला मैदान, तो आपने रामलीला मैदान के सामने देखा होगा कि ऊंची सी बिल्डिंग है जिसको सिविक सेंटर कहा जाता है। तो वो जो सिविक सेंटर है वो बिल्डिंग इन्हीं के नाम पे है। उस बिल्डिंग का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, इस तरीके से उसका नाम। उसको हमें नाम पता ही नहीं है, कभी आप ध्यान से देखना तब आपको पता लगेगा। दूसरी चीज़ है दीनदयाल उपाध्याय। तो ये भी जो दूसरे नेता थे इनके इनके नाम पे भी बहुत सारी चीज़ें, अगर देखें तो हॉस्पिटल है, कॉलेज वगैरह है इनके नाम पे, बलराज मदोक। इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि BJP की जड़ें, जो आज के टाइम पे हम भारतीय जनता पार्टी पढ़ते हैं, वो इसी जनसंघ से बनी है। जनसंघ से कैसे बनी थी और ये जनता पार्टी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं आपको जब ये बुक आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। किसी फ्रेंड ने ये कहा था कि आपके जो हैंडमेड नोट्स हैं उससे पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लैपटॉप वाली वीडियो में उतने उनको शायद समझ में नहीं आया या कोई शिकायत थी। तो दोस्तों, मैंने आज इसीलिए हाथ से लिख के बनाया। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दो कि आपको अच्छा लगा है, ताकि मैं आगे से इसी तरीके से बनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्दी से हो जाए, ताकि क्योंकि अब मैं 2 से 4 दिन में सारे नोट्स अपने अपडेट करने वाला हूँ उसमें, तो आपको वहाँ से PDF वगैरह या फोटो वगैरह जो भी है, पिक्स, नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।